तो आज से ठीक 2 महीने पहले लास्ट वीडियो आई थी और लास्ट वीडियो इसी फार्म के ऊपर आई थी। और उसके बाद जब आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं सेम फार्म पे वीडियो बना रहा हूँ और इस फार्म पे उसके बाद ज़्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है। जो लास्ट वीडियो में मैं यहाँ पे खेत ये वाला बना रहा था वो वाला खेत जो है रेडी हो गया और इसमें मैंने यहाँ पे वीट लगाए हुए हैं और वीट अब हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। और ये मैंने यहाँ पे एक नया हॉट एयर बैलून परचेज कर लिया है जिससे मैं जो है यहाँ से ऊपर का सारा व्यू देख सकता हूँ। और ये हॉट एयर बैलून की जो है स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, स्पीड तो काफ़ी कम है, बट ये ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। और अभी तो ये काफ़ी नीची हाइट पे है, इसे मैं चाहूँ तो काफ़ी ऊंची हाइट पे ले जा सकता हूँ, बट ज़्यादा ऊपर ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल इस बैलून को तो मैं जो है यहीं पे साइड में पार्क कर देता हूँ। इस बैलून की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा कम है तो इससे मैं ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता, बट ये है कि इससे मैं जो है काफ़ी ऊपर तक जाके अपने पूरे फार्म को देख सकता हूँ। और अभी थोड़ी देर में जो है इसकी सारी हवा निकल जाएगी और ये ऊपर से जो है गायब हो जाएगा। ये हो गया गायब, अब बस ये रह गया, इसे मैं कहीं पे भी जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक ट्रैक्टर है ये वाला, इस ट्रैक्टर में पीछे जो ट्रॉली है इस ट्रॉली में ये इजीली पार्क हो जाता है और इसे मैं कहीं भी जा सकता हूँ और वहाँ ले जाके इसे जो है ऊपर तक ले जाके देख सकता हूँ। और उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पर जो है ये काओबान लगाया था और इस काओबान के लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर जो है एक लेडर थी वो गायब हो गई थी, तो वो जो लेडर थी वो यहाँ पे थी और यहाँ से वो लेडर गायब हो गई थी, बट वो लेडर गायब नहीं हुई है। उस लेडर के लिए मैं अगर यहाँ पे ऐसे दबाऊंगा तो ये लेडर आ जाएगी, बस ये दीवार पे दबाना है। यहाँ पे कोई बटन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहा है, शायद कोई हिडन बटन है यहाँ पर। ये गायब हो गई और अब ये फिर से आ गई और इससे मैं ऊपर जा सकता हूँ। ऊपर भी यहाँ पर स्टोरेज के लिए है एक, और इस स्टोरेज में जो है काफ़ी सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है, ये पुराने डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं और ये स्टोरेज अपने यूज़ में आ सकती है। और ये भी शायद इसका ढक्कन बंद हो जाता है, यहाँ से मैं नीचे सामान डाल सकता हूँ कुछ, तो अभी फ़िलहाल तो जो है इसको यूज़ में जब लेंगे जब देख लेंगे। और इसका अभी यहाँ से ये गेट बंद कर देता हूँ और इस लेडर को यहाँ से हटा देता हूँ। बाकी लास्ट वीडियो में मैं 2 नई गाड़ी परचेज़ की थी, एक तो ये नैनो थी यहाँ पे पार्क रखी है और एक जो है सामने फॉर्चुनर खड़ी हुई है वोरी। और उसके बाद इस फार्म पे ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, तो ये फार्म बस मैंने अभी स्टार्ट ही किया है और यहाँ पे इस फार्म पे काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है। अब जो है रेगुलरली वीडियोज आएंगी और काफ़ी सारी फार्मिंग होने वाली है। और ये गाड़ी तो मैंने दिखाई दी थी, बाकी एक नई गाड़ी और आई है वो लेके आनी है, बट उससे पहले जो है यहाँ पर आज मुझे ये वाले जो गेहूँ है ये हार्वेस्ट करने हैं और ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए रेडी है। बट यहाँ पे इस वाले फार्म पे मेरे पास अभी हार्वेस्टर नहीं है, तो एक हार्वेस्टर लेके आना है और हार्वेस्टर लेके आना है मुझे शोरूम से। और हार्वेस्टर लाने के लिए मैं ये वाला ट्रक लेके चलता हूँ और इसी ट्रक में अपनी नई लैम्बोर्गिनी भी ले आऊँगा जो लैम्बोर्गिनी शोरूम पर आ रखी है। ये ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है बट यहाँ पर इस वाले फार्म पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो आराम से ईजिली यहाँ से मुड़ सकता है। और अभी जो है कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि नॉर्मल है कि मैं कहाँ पर था और 2 महीने तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो उसका भी मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आंसर दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल कोशिश करूंगा कि वीडियोस जो है रेगुलर आए और कोई भी गैप ना आए वीडियोस में। बाकी वीडियोस सब रेगुलरली आएंगी और फार्मिंग सिमुलेटर के अलावा और भी गेम मैंने प्लान कर रखे हैं जिनकी वीडियोस आने वाली है, उनमें से एक तो GTA 5 है और बाकी अपना रैन सिमुलेटर में भी काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी हैं तो उसकी भी जो है वीडियो आएँगी। बाकी और भी जो है काफ़ी सारे गेम है और ये सामने अपनी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है और ये लैम्बोर्गिनी अभी नहीं आई है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ नई आई हैं जो अभी परचेज करनी है। और इन 2 महीनों में काफ़ी सारी गाड़ियाँ शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी हैं, बट उन वाली गाड़ियों को परचेज करने के लिए मुझे अपने मेन फार्म पे जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो है मेन फार्म की हो जहाँ पर जो है मैं सारी गाड़ियाँ परचेज कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा है मेरे पास और इस वाले फार्म पर तो काफ़ी कम बैलेंस है क्योंकि ये फार्म जो है अभी नया स्टार्ट किया है। तो ये अपनी लैम्बोर्गिनी है, इसे अभी जो है ट्राई करते हैं। पहले मैं यहाँ से जो है हार्वेस्टर परचेज़ कर लूँ, हार्वेस्टर परचेज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे जाना होगा, तो हार्वेस्टर मुझे लेना है वीट के लिए, तो ये वाला चल जाएगा। वो वाला खेत जो है ज़्यादा बड़ा है नहीं तो ये वाला हार्वेस्टर ले लेता हूँ और लीज पे ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ बैलेंस की थोड़ी सी कमी है। और इसका हेडर लेना है, हेडर भी इसमें छोटे वाला लग जाएगा, ये वाला ठीक है। तो ये हो गया इसका हेडर और इसको भी लीज पर ले लेता हूँ। तो ये आ चुका अपना हार्वेस्टर उधर और हेडर इधर आया, हेडर पहले अटैच करके इसे इस ट्रक के ऊपर लोड कर लूँ। तो इस ट्रेलर पे ये हार्वेस्टर आ तो जाएगा, हाँ आ गया, बस थोड़े से टायर बाहर जा रहे हैं। एक बार यहाँ पे ये आ गया जाएगा तो मैं इसको बेल्ट से बांध दूंगा, फिर ये गिरेगा नहीं, बस यहाँ पे ठीक है। और इसमें यहाँ पे बेल्ट बांधने की ऑप्शन तो वैसे इसमें आ नहीं रही है,
इधर भी नहीं आ रही बेल्ट बांधने की ऑप्शन, नहीं आ गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक बेल्ट तो बन गई, बाकी अपनी लैम्बोर्गिनी भी जो है इसी ट्रेलर के ऊपर चढ़ा देता हूँ और एक बार लैम्बोर्गिनी के इंटीरियर देख लेते हैं। तो इसके इंटीरियर काफ़ी सही हैं, इसके पूरे ब्लैक कलर के इंटीरियर है और अंदर कंट्रोल भी काफ़ी सही है। बाकी इसकी टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, बाकी इसकी सारी खिड़कियाँ वगैरह खुल जाती हैं, इस शीशा नीचे हो गया और अभी जो है स्पेस उसमें काफ़ी है, इसे बंद करता हूँ। और इसकी मैं हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ये थोड़ी ऊंची हो गई, ये नीचे हो गई, कंट्रोल तो काफ़ी सही है, ये प्रॉपर एसयूवी है। तो ये वाली लैम्बोर्गिनी सही है ऐसे खेतों वगैरह के लिए, और दूसरी वाली भी ठीक है। यहाँ पर रास्ते ठीक हैं, यहाँ पर रास्तों की इतनी दिक्कत नहीं है, तो बस इसे भी यहाँ पार्क करके इसमें भी जो है बेल्ट बांध देता हूँ, इसमें भी बेल्ट बन गई। तो एक गाड़ी भी जो है ट्रेलर के ऊपर पार्क हो गई, अब बस इस ट्रक को यहाँ से ले चलता हूँ। तो अब फटाफट से इसे लेके अब जो है अपने खेत को हार्वेस्ट होने पे लगा देता हूँ, क्योंकि गेहूँ वहाँ पे रेडी हो चुका है और अगर मैंने अब हार्वेस्ट नहीं किया तो वो जो है वीट वाली क्रॉप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रेडी हो रखी है हार्वेस्ट के लिए। और अभी जो है उस क्रॉप को सेल करके थोड़ा अमाउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे तो यहाँ पे ग्रीन हाउस वगैरह भी हैं, इन्हें ही मैं स्टार्ट करूँगा, बट पहले अभी जो है उस वाले खेत के जो है हार्वेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेप्स का भी मुझे देखना है, ग्रेप्स की क्रॉप भी जो है हार्वेस्ट होने के लिए रेडी होने वाली है। बस यहीं पर ठीक है, यहीं पर अनलोड कर लेता हूँ। और अभी इस वाले हॉर्स पार्क में सिर्फ दो ही हॉर्सेस हैं, तो यहाँ के लिए अभी मेरे को वैसे पांच छः हॉर्स और परचेस करने हैं। मैं पहले एक गाड़ी अनलोड कर लूँ, उसके बाद यहाँ के लिए हॉर्स ही परचेस कर लेता हूँ। पहले इस गाड़ी को अनलोड करता हूँ। इस गाड़ी को अंदर ही पार्क कर जाता हूँ पार्किंग में, वहाँ पार्किंग में अपनी तीन चार गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई हैं। ये सामने मेरे पास प्रॉपर पार्किंग है, छः गाड़ियों की पार्किंग तो है आराम से यहाँ पर, जिसमें से अभी जो है दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ की जो है गाड़ियाँ मैंने बाहर पार्क कर रखी हैं। तो ये वाली पार्किंग तो प्रॉपर इसी गाड़ी को दे देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास रोल्स रॉयस भी है और रेंज रोवर भी है, जो मैंने इस वाली पार्किंग के अंदर पार्क कर रखी है। इसका तो मैं आगे से जो है शटर डाउन कर देता हूँ और इस वाली का भी शटर डाउन कर देता हूँ। वैसे अभी यहाँ पर एक गाड़ी और आ सकती है, बट अभी यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए एक गाड़ी रख रहा हूँ। बाकी ये फॉर्चुनर तो अपने यूज़ में आती रहती है, इसलिए मैंने यहीं पर पार्क कर रखी है। और इस वाले घर को तो वैसे ज़्यादातर सबने देखा ही होगा, इसका तो मैंने प्रॉपर एक टूर दिया था, और अगर नहीं देखा है तो पहली वीडियो में मैंने इस घर को दिखाया है प्रॉपर, वहाँ जाके देख सकते हो। और ये जो है घर काफ़ी ज़्यादा सही है, अभी इसमें जो है काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं। पीछे मैंने पार्किंग के लिए काम स्टार्ट किया है यहाँ पर, इधर की साइड पहले यहाँ पर दूसरी वाली पार्किंग थी वो मैंने हटा दिया है, और इधर मैं ये शेड वाली पार्किंग बना रहा हूँ, इसका अभी काम स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ से लेके इस वॉल के साथ साथ मैं सारे में जो है शेड बना दूंगा, जहाँ पर मैं अपने ट्रैक्टर्स को पार्क कर सकता हूँ। और अभी जो है यहाँ पर काउस तो हैं, इधर हॉर्स लेने हैं, तो इधर के लिए मैं हॉर्स भी परचेज कर ही लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे आठ की कैपेसिटी है, दो हॉर्स हैं, छः और आ सकते हैं। तो अभी जो है इसमें से ये वाला ले लेता हूँ, दो ये वाले ले लेता हूँ, और इसके अलावा दो ये ब्लैक वाले, और दो मैं ले लेता हूँ, दो ये वाले ले लेता हूँ। तो ये आठ हॉर्स हो गए, और आठ हॉर्स की कैपेसिटी अपने हॉर्स बान की, ये आठ हॉर्स आ चुके हैं। और इनके लिए खाना वगैरह डालना है, वैसे इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ये तो इनके पानी के लिए होगा। बाकी अभी पहले जो है मैं हार्वेस्टर यहाँ से उतार के और यहाँ पे एक वर्कर को साइन कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे वीट हार्वेस्ट हो सके। तो कर दिया यहाँ पे वर्कर असाइन और यहाँ पे वीट हार्वेस्ट हो रहे हैं। और ये खेत वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट इतना छोटा भी नहीं है, इससे काफ़ी सारे वीट जो है निकल जाएंगे आराम से। मेरे को लग रहा है यहाँ से 50-60 हज़ार यूरो तो मुझे इजीली मिल जाएंगे। और अभी वीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे पास ट्रॉली तो है नहीं, एक ट्रॉली परचेज करके लानी पड़ेगी। ट्रैक्टर तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ट्रैक्टर तो मैंने यहाँ पर ही पार्क कर रखे हैं, बस एक ट्रॉली लेनी पड़ेगी। एक छोटी ट्रॉली मैं अभी जो है रेंट पर ले आऊँगा, उससे ये वाले वीट जो है इस वाले हार्वेस्टर से निकाल के सेल कर दूंगा। बाकी यहाँ पे भी ज़्यादा बैलेंस तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा परचेस वगैरह कुछ कर नहीं सकता अभी, पहले इनिशियली खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। और अभी मैं यहाँ पे जो है वीट हार्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ अपग्रेड करूँगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो अपने मेन फार्म की आएगी, उस फार्म पर जो है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी परचेस होने वाली हैं,
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।